फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बीकॉम सेम टू की मोस्ट आईएमपी थ्योरी। पेपर स्टाइल आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको पेपर स्टाइल नहीं पता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके या फिर कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी हमारे पास कम टाइम है, हमें कौन कौन से दो यूनिट रेडी करना चाहिए इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो यहाँ पे मैं चारों के चार यूनिट की आईएमपी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे ओनली टू ही यूनिट की आईएमपी दे रहा हूँ। अगर आप ये दो क्वेश्चन की भी, दैट मीन्स ये दो यूनिट भी रेडी करके जाएंगे तो भी आप इकोनॉमिक्स में इजीली एक अच्छा सा स्कोर करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आपको आईएमपी देने वाला हूँ यूनिट नंबर टू एंड यूनिट नंबर फोर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपने सभी यूनिट की अच्छी तरीके से तैयारी की है रेडी करके जाना है। अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं सर कौन से दो यूनिट रेडी करने चाहिए, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ये दो यूनिट रेडी करने चाहिए और इसमें से इतने क्वेश्चन आपको रेडी करके जाना है। सो यूनिट नंबर टू में से आपको रेडी कर लेना चाहिए व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सेकंड क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है यहां पर एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन भी रेडी करके जाइएगा। एंड एक्सप्लेन द यूनिट नंबर फोर में से आपको रेडी करना है एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स लिमिटेशन, एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको रेडी करना है एक्सप्लेन द मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट। आई होप यहाँ पे आपने चारों के चार क्वेश्चन देख लिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कौन कौन से दो यूनिट रेडी करने चाहिए, सो मेरे हिसाब से आपको यूनिट नंबर टू एंड यूनिट नंबर फोर रेडी करना चाहिए। अगर आप फिर भी यूनिट नंबर वन एंड थ्री की भी आईएमपी चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बिकॉज वो एक थियोरिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आप चार क्वेश्चन भी रेडी करके जाओगे ना तो एक्चुअली में वहां पे आपको आइडिया आ जाएगा हमें कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आप चार क्वेश्चन भी रेडी करते हैं तो भी आप एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर लाने वाले हैं। इन चार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।